अच्छा चलो चलो मेरा बेटा जल्दी से अभी तबीयत ठीक हो जाती है। ओ अस्मा जरा प्लीज इसको पकड़ना, बिल्कुल नहीं संभल रही है, इसको दवा पिलानी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी आप खुद ही कह रही हैं, देख लें, बाद में हामिद भाई से मेरी शिकायत मत कर दीजिएगा, अस्मा ने ये कर दिया, अस्मा ने वो कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो अस्मा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। क्या रिएक्ट किया था हामिद भाई ने अर्शद के साथ? उन्होंने ये भी नहीं सोचा, सब देख रहे हैं। बहुत बुरा फील किया अर्शद ने, और मैं भी हैरान रह गई। अरे नहीं नहीं अस्मा, वो तो आमना की हालत देख के घबरा गए थे, इसीलिए ऐसा कहा। अच्छा घबरा गए, घबराहट से आपको तो कुछ नहीं कहा और अर्शद पर बरस पड़े। अर्शद आमना के दुश्मन तो नहीं है? अस्मा अगर हम इस मौजू पे ना ही बात करें तो बेहतर है, वो दोनों भाई हैं, जो चाहे करें, हम लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस मामले में। अरे वाह, क्यों हमारा अमल दखल नहीं है? अर्शद मेरे शौहर हैं और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि अर्शद की कोई बेइज्जती करे। बेइज्जती? ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा क्या हो गया है? बस बस रहने दे, सब जानती हूं मैं आपकी चालाकी। मुझसे गलती हो गई अस्मा कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आओ बेटा हटो जरा, चलो बेटा आओ, तू मैं पिलाती हूं आपको दवा। हर बात पे कितनी मासूम बन जाती है, हर दे वैसे।